सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल और स्टडी में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सभी के कमेंट को लेकर, यहाँ पर एक भाई का कमेंट आ रहा था कि सर एलसीएम निकालना सिखाइए, तो इसीलिए जो भी लोग कमेंट करते हैं मैं कमेंट के अनुसार वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है। आप जिस तरह का वीडियो चाहते हैं मैं उसी तरह का वीडियो बनाऊँगा। सो गाइज, आप सब लोग के कमेंट पर मैं एलसीएम निकालने के लिए समझाने वाला हूँ, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। यहाँ पर मैं तीन क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। तीनों क्वेश्चन को अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया, तीनों क्वेश्चन को समझ लिया, तो समझिए कि आपके लिए लाइफ टाइम एलसीएम निकालना बहुत ही ईजी हो जाएगा। सो गाइज, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। सो गाइज, एलसीएम निकालने का सही तरीका क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में देख लीजिए, यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में, 9,7,3,4, यानी यहाँ पर चार अंक दिया गया है। हमको इसका एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त्य निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है कि इसमें कौन सा दो अंक है जो कि कम से कम संख्या से कट जाए, यानी कम से कम मतलब जो नंबर होता है ना, सबसे छोटी संख्या से कट जाए। इसमें दो अंक कटना चाहिए तभी कटाएंगे। तो चलिए आपको समझाते हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है चार। कहने का मतलब है कि यहाँ पर चार है और क्या है, तीन है, सात है और नौ है। तो कौन सा एक संख्या, छोटा से छोटा संख्या का पहाड़ा जिसमें चार भी हो और इसमें से और कोई संख्या भी हो। मान लीजिए कि हम यहाँ पर दो से कटाते हैं, तो दो से तो चार कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर इन तीनों में से कोई भी संख्या नहीं कटेगा, क्योंकि दो के टेबल में इन तीनों में से कोई भी संख्या नहीं है। तो मैंने आपको बताया है कि कम से कम दो अंक कटेगा तभी हम जाकर उस संख्या से इसको कटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए किस संख्या से दो अंक कट रहा है, तो यहाँ पर है तीन और यहाँ पर है नौ। तो तीन से कटाएंगे तो नौ भी कट जाएगा और ये तीन भी कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि दो अंक कटेगा तो हम यहाँ पर तीन से ही कटाएंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे तीन। बहुत ही आसानी से समझना है आपको। अब आपको तीन का टेबल पढ़ना है कि कितने बार में नौ आएगा। तीन का टेबल पढ़िए, तीन एकम तीन, तीन दूनी के छः, तीन त्री के नौ, यानी तीन बार पढ़ेंगे तो ये नौ आ जाएगा। तीन के पहला तीन बार पढ़ेंगे तो ये नौ आ जाएगा, यानी यहाँ पर सही है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान में रखना है कि तीन के पहाड़ा में सात नहीं है, तीन के पहाड़ा में सात नहीं है, तीन दुना के छः, तीन तरी का नौ है, लेकिन ये जो है सात नहीं है। तो क्या करेंगे, तीन के पहाड़ा में सात नहीं है तो क्या करेंगे, सात को हम ज्यों का त्यों उतार देंगे। सात को कुछ नहीं करना है, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, जैसे का तैसे उतार देना है। अब तीन के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि तीन आ जाएगा, तो तीन एकम तीन यानी एक बार में ये तीन आ जाएगा, उसके बाद कामा दे देना है। उसके बाद तीन के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि चार आ जाएगा, तो तीन के पहाड़ा में तो चार नहीं है, तो नहीं है तो चार को ज्यों का त्यों यहाँ पर से उतार देंगे। अब आपको फिर से देखना है कि कौन सा दो संख्या किसी एक संख्या से कट रहा है। तो यहाँ पर तीन है, सात है, एक है, चार है। तो एक तो हम नहीं लेंगे, क्योंकि अगर आप एक से ही संख्या कटाइएगा तो फिर से यही संख्या यहाँ पर आ जाएगा, तो एक को हम नहीं लेंगे। यहाँ पर तीन, सात और चार है, तो तीन और सात चार किसी एक संख्या से कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि किसी भी पहाड़ा में तीन, सात और चार नहीं है। कहने का मतलब है कि एक साथ मतलब किसी एक पहाड़ा में तीन भी आना चाहिए और कोई अंक भी, इसमें से कोई दूसरा भी अंक आना चाहिए, मतलब कम से कम दो अंक कटना चाहिए तभी कटाएंगे। तो इसमें से दो अंक नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, नहीं कटेगा तो इसको यहीं पर छोड़ देंगे। और छोड़ने के बाद क्या किया जाता है कि सबसे पहले आपको यहाँ पर तीन है, इस तीन को हम यहाँ पर लिख लेंगे, उसके बाद ये वाला तीन गुना में लिखेंगे, फिर ये सात है तो इसको भी गुना में लिखेंगे, फिर ये एक है तो इसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि एक से किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो हमारा वह संख्या ही प्राप्त होगा। यहाँ पर चार है तो चार को ले लेंगे। अब आपको क्या करना है कि सबका आपस में गुना कर देना है, यानी तीन का तीन से गुना करेंगे तो तीन तरीके नौ, फिर नौ का गुना सात से करेंगे तो नौ, नौ सत्ते के कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, फिर 63 का गुना चार से करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो चार तीन 12 के दो, हारसिन एक,
और 4 6 24 और 1 25। यहाँ पे देख सकते हैं 252 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। देख सकते हैं बहुत ही आसान होता है यहाँ पर एलसीएम को सॉल्व करना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। वही रूल लगेगा, वही नियम लगेगा, सिर्फ आपको सॉल्व करने का तरीका यहाँ पर वही है, सब कुछ आपको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको देखना है कि कौन सा दो संख्या किसी एक पहाड़ा से कट रहा है, कम से कम एक पहाड़, मतलब जिस संख्या से कट रहा है ना वो भी सबसे छोटी संख्या होना चाहिए। यानी 10 है यहाँ पर और 12 है, जो कि 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, कम से कम 2, एक से तो कटाना नहीं है तो 2 से कटाएंगे। तो 2 के टेबल में 7 है, नहीं है तो 7 को ज्यों कहते हैं उतार देंगे। उसके बाद 2 के टेबल में 9 है, तो 2 के टेबल में 9 नहीं है तो इसको भी ज्यों कहते हैं उतार देंगे। 2 के टेबल में 10 है, 10 तो है, 2 के टेबल में 10 जो है 5 बार में आएगा। 2 के टेबल में 12 जो है 6 बार में आएगा, 2 6 12। 2 के टेबल में क्या 3 नहीं है तो इसको हम 3 को ज्यों कहते हैं यहाँ पर लिख देंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से फिर ऐसे घेर देना है। अब आपको फिर से यहाँ पर संख्या में देखना है कि कौन सा दो संख्या कट रहा है किसी एक पहाड़ा से। तो यहाँ पर क्या है, 7 है, 9 है, 5 है, 6 है, 3 है। तो यहाँ पर तो 2 से कोई भी संख्या नहीं कटेगा, एक 6 कटेगा लेकिन इसमें से कोई नहीं कटेगा। 3 से कटाने का प्रयास करते हैं, तो 3 से तो ये 3 कटेगा, ये 6 भी कट जाएगा और ये 9 भी कट जाएगा। तो कम से कम 2 अंक कटना चाहिए, यहाँ पर तो 3 अंक है और भी अच्छा है। तो चलिए यहाँ पर हम 3 से कटाएंगे। 3 के टेबल में 7 है, नहीं है तो इसको ज्यों कहते हैं उतार देंगे। 3 के टेबल में 9 है तो है, कितने बार में है, 3 बार में है। 3 के टेबल में 5 है, नहीं है तो इसको ज्यों कहते हैं उतार देंगे। 3 के टेबल में 6 है तो है, कितने बार में है, 2 बार में। 3 के टेबल में 3 जो है 1 बार में है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा। बहुत ही आसान तरीका है भाई, एलसीएम निकालना एकदम चुटकियों का खेल है। आपको थोड़ा सा नियम थोड़ा सा ध्यान में रखना है, उसके बाद तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद आपको फिर से ऐसे घेर लेना है, इसमें से देखना है कि कौन सा दो संख्या किसी एक पहाड़ा से कट रहा है। तो यहाँ पर 7 है, 3 है, 5 है, 2 है। हमारे ख्याल से इसमें से कोई भी संख्या, यानी कोई भी दो संख्या एक पहाड़ा से, किसी भी एक संख्या से नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे, यहीं पे छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, गुना कर लेंगे जो भी संख्या इधर है। सबसे पहले इस साइड के संख्या को लिखना है, यानी 2 × 3। चलिए यहाँ पर लिखते हैं 2 × 3, गुने में क्या है 7, गुने में क्या है 3, गुने में क्या है 5, गुने में 2। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। गुना में 1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 से कोई भी संख्या में गुना करो तो यही संख्या प्राप्त होगा। अब आपको गुना कर लेना है सबको। तो 2 3 6, 6 7 42, 42 3 कितना हो जाएगा, तो 42 में 3 से गुना करेंगे, फिर जितना आएगा उतने में 5 से गुना करेंगे, फिर जितना आएगा उतने में 2 से गुना करेंगे। तो चलिए मैं गुना कर लेता हूँ। सो गाइस, सभी संख्या को आपस में गुना करने पर यहाँ पर हमारा 1260 आ रहा है, जो कि राइट आंसर है। देख सकते हैं बहुत ही ईजी होता है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, देख सकते हैं आपको इसको सॉल्व करना है। अगर आप सॉल्व करना सीख गए हैं तो जल्दी से सॉल्व कीजिए और आंसर कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करके आपको लाइव दिखा देता हूँ। आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और अपने से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो सॉल्व करने के लिए वही नियम है, सबसे पहले 2 अंक देखना है, तो 12 भी कट जाएगा 2 से और 14 भी कट जाएगा 2 से। तो हम क्या करेंगे, 2 से कटा लेंगे, 2 6 12 और 2 के पहाड़ा में 13 नहीं है तो 13 को ज्यों कहते हुए छोड़ देंगे। 2 के पहाड़ा में 7 नहीं है तो इसको भी ज्यों कहते हुए उतार देंगे। 2 के टेबल में 14 है, 7 बार में है, 2 7 14। 2 के टेबल में 5 नहीं है तो इसको भी ज्यों कहते हैं उतार देंगे। यानी 12 और 14 कट गया ना, 2 संख्या कटना चाहिए कम से कम, तो हम कटा देंगे। अब आपको फिर से ऐसे घेर लेना है, फिर से देखना है कि कौन सा दो संख्या किसी एक पहाड़ा से कट रहा है। तो यहाँ पर 7 है और यहाँ पर भी 7 है, यानी 7 से दोनों संख्या कट रहा है, तो 7 से कटाएंगे। 7 के टेबल में 6 नहीं है तो इसको ज्यों कहते हैं उतारेंगे। 7 के टेबल में 13 नहीं है तो इसको भी ज्यों कहते हैं। 7 के टेबल में 7 है, कितने बार में है, तो 1 बार में 7 आ जाएगा। 7 के टेबल में 7 है, 7 के टेबल 1 बार पढ़ेंगे, 7 एकम 7 यानी 1 बार में।
सात का टेबल में पाँच नहीं है तो जेम कहते हैं उतार देंगे। और फिर से देखना है कि इन संख्याओं में कौन सा दो संख्या किसी एक भाड़ा से कट रहा है। तो 6, 13, 5 किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, यहाँ पे कम से कम दो अंक कटना चाहिए, तो दो अंक कोई भी पहाड़ा से नहीं कटेगा। तो हम यहीं पर इसको छोड़ देंगे और गुना कर लेंगे। सबसे पहले इसको गुना करेंगे, उसके बाद इसको। सबसे पहले लिखेंगे 2 × 7, 2 × 7 गुने में 6, गुने में ये 13 और गुने में ये 5। चलिए गुना कर लीजिए, यहाँ पे 2 × 7 = 14, 14 × 6 कितना हो जाएगा 84, और 84 में 13 से गुना करेंगे, यहाँ पे इतना का गुना 84 हो गया, गुने में 13 और गुने में क्या है 5, और बराबर में गुना करके इसको लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए मैं गुना कर लेता हूँ, यहाँ पे हमारा गुणनफल 5460 आ रहा है। आई होप कि आप लोगों को अभी इतना ही आ रहा होगा। तो देख सकते हैं बहुत ईजी होता है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना, और आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आप एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक निकालना सीख गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह का वीडियो अपलोड होता रहता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक न्यू टॉपिक।